नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आ चुकी है, इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा हैदर को उसके पाकिस्तान स्थित परिवार वालों ने अपने घर से बेदखल करने का फैसला किया है। भारतीय युवक सचिन से कथित प्यार के कारण सीमा बीते दिनों दोनों देशों से बिना किसी वैध दस्तावेज के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और फिलहाल अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है। सीमा की सचिन दोस्ती साल 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी के माध्यम से हुई, जिसके बाद सीमा ने पाकिस्तान के कराची स्थित अपना घर बेचा और अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई है। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद पाकिस्तान में रह रही सीमा के परिजनों ने उसके घर वापसी की अपील की, लेकिन सीमा द्वारा प्यार की दुहाई देते हुए पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार उसके परिजनों ने सामाजिक नियमों का हवाला देते हुए परिवार से बेदखल करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार पाकिस्तान से आने वाली 30 साल की सीमा और 22 साल के सचिन दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रहते हैं, जहां सचिन नौकरी करता है। सीमा अपने 4 बच्चों जिनकी उम्र 7 साल से कम है, सचिन के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे 4 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सचिन को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा को अपने आवास में ठहराने के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों जेल से रिहा हुए और नोएडा में रह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान स्थित सीमा के पड़ोसियों द्वारा एक रिश्तेदार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब सीमा की पाकिस्तान में वापसी नहीं चाहते हैं। सीमा कराची के जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसके मकान मालिक के बेटे ने कहा उसे अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वे वहां रह सकती है क्योंकि अब वह मुस्लिम भी नहीं रही है। मकान मालिक के बेटे नूर मोहम्मद ने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ 3 साल तक हमारे यहाँ किराएदार थी। वह अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उसके ससुर यहाँ से कुछ दूरी पर रहते थे। वहीं मकान मालिक ने कहा सीमा एक मुसलमान होते हुए हिंदू लड़के के साथ गई है। उसने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे पाकिस्तान को शर्मसार किया है। देर सवेर उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, ये खबर भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देशों में सीमा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की घटना पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर सीमा हैदर पूरी दुनिया में दोस्तों छा गई है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर की ही चर्चा चल रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया और ग्रेटर नोएडा में रह रही है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अब रिहा कर दिया है और इनके परिवार वालों ने अब इन्हें रखने से भी इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर आपको